तो युद्ध का 13वां दिन है, इसको लेकर लगातार हम बात करें। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ एयर मार्शल श्रीवास्तव हैं और साथ ही साथ एम्बेसडर त्रिपाठी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के वासिल कीव से आ रही है, जहां पर मिसाइल से हमला किया गया है। कीव के पास वासिल कीव के आसमान में मिसाइलें देखी गई हैं। रूसी सेना ने कीव की घेराबंदी कर रखी है और वासिल कीव कीव के दक्षिण में पड़ता है। दक्षिण में एक छोटा सा शहर माना जा सकता है जो कि सैटेलाइट टाउन है। और यहां पर देखिए किस तरह से मिसाइल दागे जा रहे हैं, और देखकर लग रहा है कि ये कैलिबर क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल लगातार रूस कर रहा है। तस्वीरों में आप देखिए जो आपको आवाज सुनाई दे रही है, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो क्रूज मिसाइल है वो अपने टारगेट की ओर बढ़ता जा रहा है। क्रूज मिसाइल की एक इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके आप डायरेक्शन को अगर चाहते हैं तो हवा में थोड़ा एडजस्ट कर सकते, रोक सकते हैं। इसमें थोड़े से इसलिए फिंग्स लगे होते हैं जिसको आप विंग्स कह सकते हैं। फिंग्स के जरिए अपने आप को थोड़ा मैन्यूवर कर सकता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और दूसरी बात है कि सटीक निशाना लगाती है, और जहां पर भी इसको टारगेट किया होगा, और इसका रेंज भी आपको बता दें करीबन 300 किलोमीटर का इसका रेंज है कैलिबर क्रूज मिसाइल का। और इसके जरिए वासिल कीव के कुछ ठिकानों पर निशाना बनाया गया है, और वासिल कीव में अब से नहीं बहुत पहले से लगातार हमले हुए हैं। यहाँ के एयरबेस को बहुत पहले ही रूस तबाह कर चुका है। Четверта ракета пішла. П'ята пиздує. Дивіться. Четверта. Інфантрій труп керіер назар ара хай. जो रशियन होगा, जिसका दावा कर रहे हैं यूक्रेन के जो तमाम सैनिक हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसको निशाना बनाया गया, और जो देख कर लग रहा है कि इनके पास जो BMP-2 था, यानी कि यूक्रेन की फौज के पास, उसके जरिए इसको टारगेट किया गया, या हो सकता है कि RPG यानी कि रॉकेट लॉन्चर के जरिए भी इस पर हमला किया गया होगा। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। रूस से युद्ध के आज 13वें दिन यूक्रेन का एक बड़ा अटैक सामने आया है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए 3 रूसी ट्रक को उड़ा दिए हैं, और बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा था इन्फेंट्री कॉलम का हिस्सा था जिसको टारगेट किया गया था, और ड्रोन के जरिए इसे उड़ाया गया है। और जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन के पास टर्किश मूल के ड्रोन्स हैं, अटैक ड्रोन जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तस्वीर पे आप देख पा रहे हैं कि एक काफिला है जिसमें कुछ ट्रक्स मौजूद हैं, और जो ड्रोन है वो इस पर मिसाइल्स के जरिए टारगेट कर रहा है। और जहां पर ये अटैक हुआ है वहां पर आप देखिए कि आसपास बहुत ज्यादा आपको कोई ऑफेंसिव यहां पर वेपन नजर नहीं आ रहा होगा, यानी कि कोई यहां पर आपको ग्राउंड के पर कह सकते हैं ग्राउंड मिसाइल नहीं है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल भी किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ यहां पर आप देखिए जो कॉन्वॉय है उसमें भी ट्रक ज्यादा, यानी कि सप्लाई लाइन को टारगेट किया गया है। यहां पर भी टैंक्स भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इस ड्रोन का इस्तेमाल वहीं का किया जा रहा है जहां पर इन ड्रोन्स को कोई एयर थ्रेट नहीं है, या फिर ग्राउंड से भी कोई उन पर हमले का खतरा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।